डॉक्टर मेहुल बट वंस अगेन, यूरोप और अमेरिका में कोविड के केसेस रिसेंटली बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया के 60% अंदाज से कोविड के केसेस यूरोप से आ रहे हैं, और अमेरिका में भी पिछले कुछ हफ्तों में 20-25% कोविड के केसेस बढ़ गए हैं। और सिर्फ केसेस ही नहीं, इसके साथ हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ्स और ICU एडमिशन भी कोविड की वजह से बढ़ गए हैं। अमेरिका में कोविड की वजह से जो डेथ हुई है वो 2021 में पिछले साल के फर्स्ट और सेकेंड वेव के कंपैरिजन में ज़्यादा हुई है। वैक्सीनेशन होने के बावजूद, अब तो वैक्सीनेशन शुरू होके 10 से 11 महीने हो गए हैं, फिर भी अमेरिका में कोविड डेथ्स पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा हुए हैं। तो ये सब न्यूज़ देख के अब पूरी दुनिया भर के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट अभी भी कोविड के बारे में ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है। कुछ रीजंस हमारे सामने आए हैं कि अमेरिका और यूरोप में कोविड के केसेस बढ़ने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये दोनों कंट्री में इन महीनों में ये है कि वहाँ पे विंटर आया है, और विंटर में सर्दी, खांसी, बुखार के काफ़ी केसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, विंटर के महीने में इन कंट्री में लोग ज़्यादातर इंडोर में रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन नहीं है, तो इसकी वजह से इंटरमिंगलिंग, मतलब एक दूसरे से मिलने का जो रहता है वो कंटिन्यू है। तो जिसकी वजह से घर के अंदर के बंद एनवायरनमेंट में इन कंट्री में विंटर सीजन में कोविड के केसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इन कंट्री में वैक्सीनेशन तो हो गया है, लेकिन काफ़ी बड़ा जो पॉपुलेशन है इन कंट्री में 30-40% कई कई जगहों पर है, जहाँ पर लोगों ने वैक्सीन लिया नहीं है, वैक्सीन हेजिटेंसी है, और जिसकी वजह से कोविड फैलने का जो कारण है ये बन सकता है। इसके अलावा और एक कारण भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो कुछ साइंटिस्ट बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई नया वेरिएंट भी आ रहा है। लेकिन अब तक की जो न्यूज़ आई है उस पर एक चीज़ WHO ने कहा है कि यूरोप के जो करंटली जो कोविड के केसेस है वो मेजॉरिटी 90% से भी ज़्यादा डेल्टा वेरियंट वाले ही है, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आगे जाके डेल्टा बदली होके कोई नया वेरिएंट आए और वैक्सीनेटेड लोगों को भी वो डेंजरस साबित हो सके। और WHO ने और पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन कोई गारंटी नहीं है, वैक्सीनेशन लेने के बावजूद आपको कोविड हो सकता है, हाँ वो माइल्ड होगा, ज़्यादातर केस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वैक्सीन के बाद कोविड नहीं होगा। एट द सेम टाइम और एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों ने जो वैक्सीन लिया है, स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, 60+ उम्र वाले लोग हैं, उनको वैक्सीन लेके 5-8 महीने हो गए हैं, तो हो सकता है कि वैक्सीन की इफ़ेक्ट भी 6 महीने के बाद कम हो और इन लोगों को बूस्टर डोज देने की ज़रूरत पड़े। तो ये सब कारण हो सकते हैं वैक्सीन के बाद भी कोविड के आंकड़े बढ़ने के। सो हमें सतर्क रहना ज़रूरी रहेगा, वैक्सीन लिया है फिर भी आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों चीज़ कंटिन्यू रखना है। जब तक कोविड वायरस के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आपको कोविड से बचा पाएगा। सो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एज ए डॉक्टर मेरी सभी को सलाह यही रहेगी कि कोविड अब तक गया नहीं है। इंडिया में लकीली हमारे केसेस काफ़ी स्टेबल है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ओपन कर दिया गया है। उसका मतलब ये है कि यही पेशेंट जो यूरोप के, अमेरिका के लोग हैं, जहाँ पे अब कोविड के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा है, अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आते हैं तो ये यूरोप और अमेरिका का कोविड अगले 2-3 महीने में इंडिया में भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना ज़रूरी है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखना ज़रूरी है।